गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले कपड़ा व्यापारी को लगातार इंटरनेशनल कॉल के जरिए फिरौती की मांग की जा रही थी, जिसमें वह 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और साथ ही ना देने पर मार देने की धमकी भी मिल रही थी। तब इसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी तो पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम को गठित किया और आरोपियों की पकड़ कर उनसे पूछताछ की तो पता चला पूछताछ में व्यक्ति जो फोन पर फिरौती मांग रहा था वह कपड़ा व्यापारी का भतीजा निकला, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐप को क्रिएट कर यूट्यूब से इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए अपने ही मौसम से 15 लाख की रंगदारी की मांग कर बैठे। फिलहाल पुलिस की टीम ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद से नितिन कुमार की रिपोर्ट। मौसा जी को और उसके बाद इसने वहां पे इनके घर के सामने अपने एक साथी के साथ आकर रात में एक 315 बोर के तमंचे के साथ कंटिन्यूमेट वेपन के साथ उनके दरवाजे पे फायर करके यह भागा हुआ था। इसी दौरान हम लोगों ने इसके पास तलाशी में इसकी गाड़ी के डिग्गी से फायर किया हुआ कारतूस, घटना में प्रयुक्त कंट्री मेड वेपन और इसके साथ साथ जो घटना में इन्होंने जो है जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था वो भी बरामद किया, असलहा भी बरामद।